सर गुड इवनिंग, वेलकम टू यू रेवाशंकर जी। आप बैतूल एकलव्य गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज आईटीआई में प्रिंसिपल हैं। बहुत बहुत खुशी हुई आज आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं, उन्नति के प्रोग्राम में आए हैं। बहुत बहुत खुशी हुई सर। पहला थैंक यू सर, मैं चाहूंगा कि आपके बारे में पहले आप। मैं जरूर सर, बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि जो हमारी आईटीआई है, स्पेशल आईटीआई है, एकलव्य योजना अंतर्गत है, हमारे मध्य प्रदेश शासन की योजना है। तो ये एमपी में कुल चार जगह पे है सर। दो जगह बच्चों के लिए है, दो जगह बच्चियों के लिए है। हमारी आईटीआई बच्चियों की है और भी एसटी वर्ग जो होता है, जो विपन्न सा रहता है, गाँव देहात की बच्चे रहती है, वहां पर मतलब उनको फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे 120 सीट का हॉस्टल है और 10 स्टेट की आईटीआई है। तो उन्नति का इसी साल चालू हुआ है सर, मतलब प्रारंभ हुआ। जैसे ही पता चला कि उन्नति फाउंडेशन के जैसे ही ट्रेनर ने हमसे कॉन्टेक्ट किया, हमने स्टार्ट करा दिए थे। इधर से फोर्स बाद में आया विभाग से, लेकिन हमने अपने आईटीआई पहले ही अपने से ही मतलब रन अप करा दिया था। तो हमारे जो टोटल इस साल बच्चे 340 करीब बच्चे हैं हमारे पास में अभी अध्ययनरत, तो उनमें से 250 बच्चों का हो चुका है सर। वाओ, और अभी कंटिन्यू एक बैच और कंटिन्यू चल रहा है, मतलब तो बहुत अच्छा हुआ है सर जी। सर आपका आपका जर्नी के बारे में बताइए सर, आप कब शुरू हुए, कहां से शुरू हुए और क्या आपका जर्नी रहा है? आप तो प्रिंसिपल है, आप शुरू तो बहुत बहुत साल पहले किए होंगे, तो आपका जर्नी के बारे में बताइए सर। बिल्कुल सर। सर मैं वैसे बैतूल जिले का ही हूँ जहाँ पोस्टिंग है, लेकिन इसके पहले मैं 3 आईटी में रह चुका हूँ सर। और एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर मेरा अपॉइंटमेंट 99 में हुआ, तो भिलाई जो छत्तीसगढ़ में अभी चला गया है, तो वहां पर रहे तो बहुत बड़ी आईटीआई थी। तो वहाँ स्टार्टिंग मेरी हुई जर्नी, तो सीखने काफी मिला वहां पे, कि सीखने के लिए मिला क्योंकि बड़ी आईटीआई थी और सारे अनुभवी लोग थे। उसके बाद में फिर दो आईटीआई के बाद में चौथी ये कौन सा साल में था सर, ये कौन सी साल में थी ये जो आपका स्टार्ट शुरुआत? 1999 से स्टार्ट किया सर। और इस आईटीआई पर्टिकुलर में सर 1912 से हूँ इस एकलव्य आईटीआई। तो एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर ही रहा हूँ और मुझे अभी 2 साल लगभग होने जा रहे हैं प्रिंसिपल के रूप में दायित्व मिला है। और उसके पहले जो हैंडलिंग थी एज ए ट्रेनर के साथ साथ में अदर एक्टिविटी, बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम है, अदर एक्टिविटीज है, उसमें आगे बढ़ चढ़ के मतलब कराते थे बच्चों में काफी लगाव मैंने बच्चियों के लिए। तो हमारे यहाँ पे सर सब डीडी बच्चियां हैं, मतलब ये इस आईटीआई की बात करें तो गांव की, जिनने कभी सर कई बार बैतूल नहीं देखा, ऐसी बच्चे हमारे पास आती है जो बैतूल प्रॉपर सिटी है और गांव से आती 100-100 किलोमीटर दूर से। उनका 10th पास होके आती है, कोई 12th पास होके आती है, अधिकांश बच्चे 10th पास ही होती है। उनके लिए हमारी एक ब्रिज की तरह काम करती है, जैसे यहाँ से निकलती है तो फिर बाद में कभी कभी नौकरी भी जाते हैं, कॉलेज वगैरह शिफ्ट होते हैं, पर ये बीच का जो ब्रिज बोलेंगे, ब्रिज टाइप का, ये बहुत अच्छा आने है आईटीआई सर। ये बच्चे लोग जो आते हैं आपके यहाँ पे, क्या सोच के ये ज्वाइन करते हैं? मतलब आईटीआई 10th के बाद आते हैं लड़कियां, वो जब ज्वाइन करते हैं तो उनके माइंड में, उनके इसमें क्या होता है, क्यों ज्वाइन करते हैं, क्या सोच के ज्वाइन करते हैं सर? इसमें कुछ बच्चों को कंसेप्ट क्लियर रहता है कि हाँ मुझे स्टेनो से आईटीआई करना है तो मुझे ये जॉब मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई करना मुझे जॉब मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 50% लगभग बच्चियां जो होती है तो वो किसी को मोटिवेट करते, चलो आईटीआई में सुविधा है, कर लो, अच्छा रहेगा, मतलब बहुत उनको पता नहीं रहता है इन आईटीआई का क्या होता है, कैसा होता है। तो हमें लोग बताना होता है कि आईटीआई में आ गए तो ये करेंगे वो करेंगे, पर करते हैं बच्चे, मतलब ड्रॉप नहीं करते हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे जैसे इस साल के पूरे उसमें 12-14 बच्चों ने मतलब छोड़ा है टोटल जो एडमिशन है उसमें से, दूसरे कारण से, लेकिन मैक्सिमम बच्चे करते हैं, पूरा कोर्स करते हैं। जो
आप अभी 2 साल से प्रिंसिपल हैं, इसके पहले तो आप शिक्षक थे, अभी प्रिंसिपल हो गए तो बहुत काम हो जाता है आपका, काम बढ़ जाता है, काम बहुत काम कम हो जाता है। आपको कैसा लगता है सर, आपको एडमिनिस्ट्रेशन और ये ट्रेनिंग का इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन जैसा तो कुछ करता नहीं हूँ सर मैं, एडमिनिस्ट्रेटर वाला रोल नहीं है, सबको मिल करके लेके चलने का सोच रहती है और सभी बराबरी के लोग हैं तो मिलजुल के कर लेते सर, अच्छा हो जाता है। अभी हमारे आईटीआई का थोड़ा सा अच्छा रहा है, दो तीन चीजें, एक तो ये उन्नति की फाउंडेशनल क्लास चल ही रही है, इसके अलावा हमने जो किया है एक एमओयू किया है सर उससे, हैदराबाद में जो हार्टफुलनेस संस्था है तो उसके तहत हमारा एक जो ट्रेड है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग करके, वो ट्रेड बंद होने के कगार पे था, तो थोड़ा सा प्रयास करके सीएम थे हमारे शिवराज जी, सीएम थे पहले, अभी जो कृषि मंत्री है, तो उनके सामने एक एमओयू साइन किया था उस संस्था से, ट्रेड इतना चल निकला कि आज जैसे एडमिशन स्टार्ट हुए सबसे ज्यादा एडमिशन उसी ट्रेड में हुए और वहां पे जा पे मिलता बच्चों को। जी सर, ये हॉर्टिकल्चर का है? हाँ, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर है। जी जी, बहुत सुंदर है, ये आपके यहाँ पे हो रहा है? अभी हो रहा है, बाकी जगह बंद हो जाता है, कई जगह चला नहीं चल पाया, लेकिन ये यहाँ पे सर एडमिशन प्रॉपर मिल रहा है दोनों पे। सर मैं आज आपको ये प्रस्ताव रख रहा हूँ कि ये जो बच्चे लैंडस्केपिंग वगैरह किए हैं उनको सर, अगर बेंगलुरु वगैरह में नौकरी चाहिए तो मैं बहुत मदद कर सकता हूँ सर, बिल्कुल सर, बहुत मदद कर सकता हूँ, उनको नौकरी दिला सकता हूँ। ये आप याद रखिएगा, उनको भी बताइएगा, उनके डिटेल्स तो मेरे होंगे ही, क्योंकि अगर उन्नति का प्रोग्राम किया हुआ है तो उनका डिटेल्स है मेरे पास, वो अगर बोलेंगे कि मुझे नौकरी चाहिए तो मैं उनको बहुत इजीली मदद कर सकता हूँ सर, काफी हेल्प एक्सटेंड कर सकता हूँ, वही फील्ड में उनको नौकरी दिला सकता हूँ, क्योंकि लैंडस्केपिंग और बहुत बहुत अच्छी स्कोप है सर, वो भी बड़े बड़े सिटियों में लाइक बैंगलोर वगैरह में बहुत सर, वो जॉब भी दे रहे हैं, वो जो हार्टफुल संस्था है ना, अच्छा, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट का जॉब भी दे रहे हैं वो, 27 बच्चों का चयन। सर अगर बच्चों को बैंगलोर आना है तो बताइएगा। बिल्कुल सर, और देखिएगा दूसरे बच्चों के लिए जरूरत पड़ेगी सर आपकी, अभी इसका जो फायदा कर उन्नति का देखेंगे सर, पिछले साल तक के बच्चों को मोटिवेट करते कि यहाँ जैसे प्लेसमेंट भी हो गया जाने को तैयार नहीं होते थे, और अभी उन्नति का जैसे ट्रेनर आई है लगातार मोटिवेशन दिया है, बच्चे जाने को तैयार है। अभी बीच में बच्चे जो है सर वहां पे सॉरी चेन्नई में फॉक्सकॉन कंपनी में 45 बच्चे जाने को रेडी है, रेडी टू गो, मतलब अभी जाने को तैयार है, कि सिलेक्शन भी हो गया अभी, मतलब जैसे एग्जाम होंगे तो उनके लिए मतलब फॉक्सकॉन में जॉब मिल चुकी है, तो वैसे जाने को तैयार नहीं होते, पर ये मोटिवेशन आपका धन्यवाद है उन्नति फाउंडेशन का, ये मतलब ये बहुत बढ़िया है, उनको लगा के जाना चाहिए, जा सकते हैं। आपने तो हमारी मतलब आज की तो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया आपने, ये बता के कि बच्चे नौकरी ले रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है उनको नौकरी दिलाने के लिए है, हम जो भी कुछ करते हैं ताकि वो नौकरी ले, नौकरी में रहे, काम करे, ऊपर उनका करियर बने, इसी के पीछे हम लोग जो है उनको लाइफ स्किल्स हो, इंग्लिश हो, वैल्यूज हो, ये सिखाते हैं, ताकि टेक्निकल तो आप सिखा देते हैं लेकिन ये जो बातें होती है जो उनको चाहिए होता है नौकरी के लिए वो हम जरूर ट्राई करते हैं। धन्यवाद कि आप मतलब इतने प्रोत्साहन कर रहे हैं हमारे लोगों को, आपने मतलब बच्चों का जो बेटर है ना, बच्चों का माँ बाप राजी नहीं होते, बच्चे खुद भी जाने को नहीं देखती, लोकल में तो कोई जॉब है नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है नहीं, कोई कंपनियां है नहीं, तो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम है उन्नति का है, इससे निश्चित ही मतलब और इस साल और अच्छे से करेंगे हम, हमें तो बहुत ज्यादा मालूम नहीं था कैसे इसका लाभ लेना है, लेकिन इस साल और अच्छा होगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपको मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका आप जब शिक्षक थे तो एक सोचे होंगे कि ऐसा करना है वैसा करना है, मतलब पाबंदी होती होगी, अभी आप प्रिंसिपल हो गए हैं तो आपके हाथ में बहुत कुछ, मतलब काफी कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो आपको आप कैसे कैसे बदलाव लेके आने वाले हो सर, क्या करने वाले हो?
सर जैसे आपकी संस्था से भी चल रहा प्रोग्राम तो बच्चों को यानी मोटिवेशन के बतौर यानी केवल पढ़ाई पर्याप्त नहीं है, उसका व्यक्तित्व विकास भी होना चाहिए। उस व्यक्तित्व विकास के लिए हम जरूर लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं होता हमको कि करे करिए करके, लेकिन हर साल रंगारंग कार्यक्रम कि जो खेलकूद का आयोजन आईटी लेवल पे ऐसे जनरली नहीं होता है, तो बिल्कुल हर बच्चा पार्टिसिपेट करे इसके लिए हम प्रयास करते हैं। रंगारंग कार्यक्रम में नाटक है, डांस है, कोडी जी कल्चर है, हमारे यहाँ पे आदिवासी तो ज्यादातर बच्चे एसटी की है, तो उनको और उभारने की कोशिश करते कि ये करे करके। अभी एक और हमने प्रयास किया है सर बताने लायक, जो है ये जो आईबीएम का एक चल रहा है, आईबीएम कंपनी है, उसके सीएसआर के तहत एक फाउंडेशन काम कर रहा है हमारे एमपी में, तो वो आए थे तो उनसे हमने एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ के लिए सर, कोडिंग डिकोडिंग के लिए, तो वो वाह कार्यक्रम यानी बच्चों को हमारी सोच थी कि जैसे आईआईटी वगैरह में बच्चे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करते हैं, साथ में कोडिंग डिकोडिंग सीखते हैं, हमने क्या बात है। उनसे एक कोडिंग डिकोडिंग क्लास अरेंज करवाई, तो वो केवल एमपी में पहला आईटीएम ही हो पाया सर। मतलब अभी 20 तारीख को भोपाल भी गए थे, उस सिलसिले में बच्चों को लेके गए थे, तो आईबीएम के वाह अधिकारी गए थे, और जो कार्यकारी संस्था है वो संस्था के रिचा फाउंडेशन है दिल्ली से, तो सारे अधिकारी हाँ से पड़ताल की, तो काफी यानी प्रसन्न हुए हो, और बच्चियों ने काफी अच्छा मतलब वहां किया, वहां प्रेजेंटेशन वगैरह दिया, तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि गाँव की बच्चे या ठेठ गाँव की बता रहे हैं, फिर ये इतना अच्छा बोल रही, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे रही है और प्रेजेंट कर रही है। 3-4 बच्चियों ने कंप्यूटर पर प्रेजेंट किया, प्रोग्राम को पूरा बताया कि हमने ये सिखाया करके, ये लैंग्वेज सीखी, इस प्रकार प्रोग्रामिंग सीखी, वेबसाइट बनाना सीखी, तो एक अच्छा हमें प्रयास अलग से हमने किया है। जरूर, ऋचा को हम जानते हैं सर। ऋचा आई थिंक निखिल जी है वहां पे, मतलब वो जानते हैं हमको, हम जानते हैं उनको। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है सर। आई एम वेरी थैंकफुल आप आए हमारे प्रोग्राम में, आप हिस्सा लिए, बहुत बहुत खुशी हुई सच में आपसे बहुत बात बहुत करके। धन्यवाद, और सर बनाए रखिए उन्नति का जो प्रोग्राम है सर। सर एक सजेशन में देना चाहूंगा, जो 3 घंटे का जो अपना पर डे का जो टाइमिंग है सर, क्या थोड़ा कम हो सकता है, दो सर क्या होता है, ये आपने बहुत घंटे अच्छी, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछी है। का मैं रहता उसका जवाब डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं घुमा के दूंगा। है। हाँ जी आपको अगर दूध को दही बनाना है, वो जी 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 6 या 7 या 8 घंटे लगेंगे, हाँ जी हाँ आप जी बोलोगे कि मुझे 3 घंटे में चाहिए, तो हाँ जी हाँ जी वो दही नहीं ठीक से जमेगा। करेक्ट। तो सही ये एक बात है सर, ये एक बात। अब मैं समझ जानता हूं कि आपके बच्चे 100 किलोमीटर से आते हैं, उनको जी बस मिलना मुश्किल है, सब जी ये सब जो है दिक्कतें हैं सर। लेकिन अब मेरा बच्चा भी अगर उसको आईटीआई करना था, राइट, तो वो जाना, उसको एक क्लास जाना था, वो क्लास अगर 20 किलोमीटर था, उसको 6 बजे वो क्लास में जाना था, तो जी सुबह उठ के जाके वो 1 साल के लिए पढ़ना पड़ा। मैं जी तो सिर्फ 30 दिन की बात करता हूँ कि जी 30 दिन बहुत में थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी, बट ये जो 30 दिन है बहुत जिंदगी में बहुत फर्क इम्पोर्टेंट लेके आएगा। तो जी मैं उस दही को सही जमाना चाहता हूँ सर, सही जवाब अगर नहीं जमा तो ठीक नहीं रहेगा, आपको भी पसंद नहीं आएगा, मुझे नहीं भी आएगी पसंद सही नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है सर। बट मैं क्या सोचता हूँ, आपने देखा है अभी 1 साल देखा है, आप अगर 1 घंटे आपके यहाँ से दे दिए, 2 घंटे हमारे हो गए, 3 घंटे एडजस्ट हो जाएंगे सिर्फ 30 दिन के लिए, बाद में बिल्कुल बैचेस होंगे, तो ऐसे कोई कोलाबरेशन करना करेंगे पड़ेगा सर, करेंगे सर। सर, ऐसे कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी थैंक यू सर, सर थैंक जी यू, बहुत बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर ऊपर बहुत वाले का सर, थैंक यू। बहुत नमस्कार।